हेलो, सत श्री अकाल, आदाब, नमस्ते। वेलकम बैक टू माय चैनल पॉलीमर एग्रो सॉल्यूशन सर्विसेज। जैसा कि आप सब जानते हैं, मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ लगातार मशरूम इंडस्ट्री रिलेटेड इन्फॉर्मेशन। मैं आपको प्रोवाइड करता हूँ लगातार सॉल्यूशन टू द प्रॉब्लम एसोसिएटेड विद मशरूम इंडस्ट्री। मशरूम इंडस्ट्री से रिलेटेड कोई भी जानकारी मैं अपने नॉलेज के हिसाब से, अपने तजुर्बे के हिसाब से आपके साथ शेयर करने की कोशिश करता हूँ। ऐसे ही कुछ सवाल मेरे यारों दोस्तों, मेरे भाइयों ने जो मशरूम इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं, कुछ इंडस्ट्रियलिस्ट ने मुझसे एक सवाल पूछा है कि मार्केट में दो तरीके का स्पॉन अवेलेबल है, वीट का स्पॉन और बाजरे का स्पॉन, कौन सा इस्तेमाल करें। सबसे पहला, भी मार्केट में जो स्पॉन अवेलेबल है आपका सिर्फ कल्चर मायने रखता है, कल्चर कौन सा आप इस्तेमाल करते हैं, चाहे वो A15 यूज कर रहे हैं, डाटा यूज कर रहे हैं, कोई भी कल्चर यूज कर रहे हैं, कौन सा कल्चर यूज कर रहे हैं वो मायने रखता है। वो कल्चर किसके ऊपर उगाया हुआ है ये मायने नहीं रखता। दूसरा पॉइंट, तीन में से बढ़िया कौन सा है, ज्यादातर ये पूछते हैं बाजरे का बढ़िया है, वीट का बढ़िया है। देखिए पर्पस है, अगर आप मान लीजिए हमारे पास बाजरा है और वीट है, 1 किलो दोनों ले लिए। अब 1 किलो बाजरे में मान लीजिए, 1 किलो गेहूं में आपका मान लीजिए 1000 दाना चढ़ता है, उदाहरण के तौर पर कर रहा हूं, 1 किलो पे आपका 1000 दाना चढ़ रहा है गेहूं का, पर उधर ही 1 किलो बाजरे पे आपका 1500 दाना चढ़ता है। तो डिस्ट्रीब्यूशन पॉइंट ऑफ व्यू अगर मैं बात करूं तो बाजरे का डिस्ट्रीब्यूशन ज्यादा है, बाजरा ज्यादा फैलता है, ज्यादा एरिया कवर करता है, वीट एज कंपेयर टू कम एरिया कवर करता है। बाजरा 1-2 दिन पहले स्पॉन्डन हो जाता है इसका, अगर वीट के 12 दिन है तो बाजरा 10 दिन में ही आपका स्पॉन्डन कर देता है, ये एक फर्क है। दूसरा, स्टोरेज पॉइंट ऑफ व्यू, अगर आप सारे महीने का स्पॉन एक साथ लेके कोल्ड स्टोर में लगा रहे हैं तो पर ग्राम के हिसाब से अगर मैं देखूं, मान लीजिए आपका एक जो दाना है उसके साइज के हिसाब से जो वीट है वो ज्यादा देर तक सरवाइव करता है कोल्ड स्टोरेज में, हार्डनेस नहीं आती उसमें, उसके ऊपर जो माइसीडियम है वो एक्टिव रहता है लॉन्ग टर्म, लॉन्ग ज्यादा देर तक। बट अगर मैं बाजरे की बात करूं, अगर बाजरे को आप ज्यादा लंबा स्टोर करते हैं तो उसका दाना थोड़ा सा हल्का सा हार्ड हो जाता है, हल्का सा हार्ड हो जाता है। बाजरे को हम कोल्ड स्टोर में ज्यादा देर तक स्टोर नहीं कर सकते एज कंपेयर टू वीट, वीट की स्टोरेबिलिटी ज्यादा है बाजरे से। हालांकि ग्रोथ पॉइंट ऑफ व्यू दोनों का रिजल्ट ज्यादा फर्क नहीं दे रहा। अगर आप बाजरा इस्तेमाल कर रहे हैं बेस्ट है, बट बिल्कुल फ्रेश बाजरा कीजिए, इसे स्टोर मत कीजिए। सिमिलरली वीट, वीट को चाहे वीट है चाहे बाजरा, मैं तो रिकमेंड करूंगा दोनों का फ्रेश यूज कीजिए, स्टोर मत कीजिए। और अगर आप स्पॉन स्टोर करते हैं, स्टोरेज से पहले जो कम से कम मान लीजिए अगर आपकी सुबह स्पॉनिंग है तो रात को स्पॉन को बाहर निकाल दीजिए कोल्ड स्टोरेज के, इसे हम एक्लेमाइटाइजेशन बोलते हैं साइंटिफिकली, एक्लेमाइटाइजेशन बोलते हैं साइंटिफिकली, ताकि वो जो 24-25 डिग्री पे उसने ग्रो करना है बाजरे ने, वो टेम्परेचर में वो थोड़ी देर लिए नॉर्मल एक्टिव हो जाए, ये जरूरी है। सो होप आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगेगी, लाइक सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, अगर अच्छी लगी है तो कमेंट जरूर कीजिए। धन्यवाद।